नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक एंट्री एग्ज़ाम 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाए हैं। ये पार्ट हमारा पार्ट 9 है। इससे पहले पार्ट 8 बना चुके हैं जिसमें हमने हर एक पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुका होता है या अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज करेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 9। क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS इज द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS इज। इसमें पूछा गया है वर्क की क्या यूनिट होगी CGS यूनिट में। तो दोस्तों इसमें वर्क की यूनिट पूछी गई है CGS में। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमने जब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि इसका ये वाले इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। मतलब हमने बताया था कि जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है उसमें से यूनिट बेहद महत्वपूर्ण होती है और यूनिट ज़्यादातर पूछी जाती है। तो वर्क पावर एनर्जी में वर्क की डेफिनेशन हमने बताई थी, वर्क बराबर होता है हमारा वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डी या एस से दिखा सकते हैं, फोर्स इनटू एस, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स होता है हमारा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। आपको पता है न्यूटन भी हमारा ऐसा यूनिट है और मीटर हमारा फंडामेंटल है। तो हमारी एक ये हमारी ऐसा यूनिट बनती है और इसे हम कहते हैं जूल, जिसे दिखाया जाता है जे से, जिसे कहा जाता है जूल। तो दोस्तों ये न्यूटन मीटर और जूल तो हमारे हो गए यूनिट हो गए। ये तो हायर यूनिट है, ऐसा यूनिट है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हॉर्स पावर होता है हमारा, हमने ए देख लिया हमने जूल भी हमारा एक ऐसा यूनिट है, न्यूटन मीटर भी हमारा ऐसा ही है। अब डी देखते हैं हमारा हॉर्स पावर, वन हॉर्स पावर बराबर होता है 746 जूल होता है। दोस्तों वन हॉर्स पावर बराबर होता है 746 जूल, सॉरी दोस्तों ये 786 जूल होता है, आप इस पे ध्यान दीजिए 786 जूल होता है। तो आप देख सकते हैं जब हमारी जूल एक एसआई यूनिट है तो हमारा 786 लगाने से ये भी तो हमारी एसआई यूनिट रहेगी, हायर यूनिट रहेगी। तो ये 786 जूल भी हमारी हायर यूनिट रहेगी। तो ये तो हो गए हमारे ये तीनों एक हायर यूनिट की, मतलब एसआई यूनिट से ऊपर। अब आता है हमारा सीजीएस यूनिट होता है कि जो एसआई यूनिट से नीचा होता है, मतलब सीजीएस यूनिट में हमारा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूज़ होता है। तो हमारा देखिए आप न्यूटन मीटर एक ऐसा यूनिट है, तो न्यूटन मीटर हमारा ऐसा यूनिट है जिसे कहते हैं हम जूल कहते हैं। तो दोस्तों ये जूल का सबसे छोटा यूनिट होता है हमारा अर्ग, जूल का एक छोटा यूनिट होता है अर्ग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको ये अर्ग याद हो या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि आपको अगर यूनिट के बारे में जानकारी हो तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि जूल की एक छोटी यूनिट होती है अर्ग और इससे हमें पता चलता है इसकी CGS यूनिट क्या होगी अर्ग। और अर्ग पे हम टिक लगा देंगे और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे पॉलिटेक्निक एंट्री एग्ज़ाम 2020 में। तो दोस्तों वर्क पावर एनर्जी से इसी प्रकार के यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस अत्यधिक आते हैं, एनर्जी की यूनिट और इसी प्रकार के। तो आप अगर आपने वर्क पावर एनर्जी अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हमने उसका फुल चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, समझ में आया हो तो लाइक करें ज़रूर करें। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।